हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नया क्लास टिप्स एंड ट्रिक्स का। तो आज की क्लास में कुछ नया, कुछ यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे। ऐसा कुछ मान लो आप इवेंट, एग्जीबिशन, इंडस्ट्री, इंटीरियर में कुछ काम करते हो, और मैंने आपको कॉपी पेस्ट के बारे में बताया कि कॉपी पेस्ट का जो टूल होता है इसको यूज करने के बारे में। ठीक है, ऐसे रखो और कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी अलग फाइल से, ठीक है, किसी भी अदर फाइल से, जैसे यहाँ से मुझे ये ले जाना है, यहाँ से कुछ भी ऐसा कुछ इंपोर्ट करना है वहाँ पे, तो किसी अदर सीन में कहीं और से फाइल कुछ लाना है, जैसे अब मैंने यहाँ से इसे कॉपी कर लिया, ठीक है, इसको इसमें और भी बहुत सारे सीन में मैंने चीज़ें रखी है, तो मुझे कुछ भी यहाँ से ले जाना हो, ठीक है, यही है, ठीक है, इसको ले जाना है, सोफ़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मुझे यहाँ, चलो मुझे सीन में लगता है ये बोलार्ड इसकी ज़रूरत है, चलो मैंने कॉपी कर लिया। और जब भी आप सीन में इंपोर्ट करते हो, ऐसा कुछ यहाँ पे जाते हो, कॉपी करने के बाद आप पेस्ट करते हो, ओपन करते हो, ये टूल्स वगैरह या इसके बाद भी और ऑप्शंस आते हैं वो क्या काम करते हैं, ठीक है, डुप्लीकेट नेम, तो इस पे इसी को मैं आज समझाऊंगा, क्लियर करूंगा। यहाँ पे मर्ज है, इस पे आप क्लिक करोगे फाइल मर्ज हो जाएगा, इस पे स्किप पे क्लिक करोगे तो वो डिपेंड करता है वो करेगा मर्ज या स्किप भी कर देगा, हटा भी देगा। डिलीट ओल्ड, कोई पुराना फाइल हटाना है वैसा उसके जगह का, तो वो डिलीट करके रिप्लेस करेगा। ऑटो रीनेम, आप उसी फाइल को ऑटो रीनेम भी कर सकते हो जो आप इंपोर्ट करने जा रहे हो, ताकि उसका मटेरियल, उसकी बाकी प्रॉपर्टीज में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो जो भी आप मॉडल इंपोर्ट कर रहे हो उसको यहाँ से आप ऑटो रीनेम, ज़्यादातर मैं यूज करता हूँ तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बाकी मैंने ऑप्शंस बताए, आप वो भी यूज कर सकते हैं। देन आपको आता है यूज मर्ज मटेरियल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, आपको यूज मर्ज मटेरियल, यूज सीन मटेरियल, ठीक है, ऑटो रीनेम मर्ज मटेरियल। तो आप यहाँ पे, मैं तो इसे यूज करता हूँ, मैंने कभी कभी इसे भी यूज किया है, तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझना है, यूज मर्ज मटेरियल, जो आप जहाँ से, जिस सीन से आप फाइल ला रहे हो सेम सीन का, ठीक है, जैसे मैं यहाँ से इस फाइल को ले जा रहा हूँ, तो ये मटेरियल्स जो भी इस पे डले हुए हैं सेम मटेरियल मैं लाना चाह रहा हूँ, तो आप इस पे क्लिक करोगे, इसी सीन का, अगर वहाँ नेम में कुछ भी इधर उधर हुआ तो इस सीन का आप मटेरियल चाहते हो अप्लाई करना, कि कुछ भी उठा ले, मुझे उस पुराने वाले मटेरियल नहीं चाहिए, तो इस सीन के अकॉर्डिंग कुछ भी उठा ले उस पे अप्लाई हो जाए नेम के अकॉर्डिंग, तो ये कर सकते हो। दोनों को भी भूल जाओ आप, इसको सबसे बेस्ट ऑटो रीनेम मर्ज मटेरियल, वही सेम मटेरियल आपका आएगा, यही आएगा और न्यू रीनेम होकर के आएगा। कभी भी आप लोग, ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं, हम बना रखे होते हैं मटेरियल, अच्छे से डाल रखे होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि सेम मटेरियल ही अप्लाई हो, तो आप इस पे भी कर सकते हो, इस पे भी कर सकते हो ये, लेकिन फिर भी कभी कभी प्रॉब्लम कर जाता है नेमिंग में, इस पे करो, प्रॉपर क्या होगा कि परफेक्टली उसका रीनेम करके वो आएगा। बाद में आप चाहो मटेरियल में कुछ चेंजेस करना, वो भी आप कर सकते हो। तो दोनों में मैं, मतलब पहले मैं ये इनको यूज करता था, बट ज़्यादा मैंने जो नोटिस किया कि रीनेम करना ज़्यादा बेटर होता है, तो इसी के ऊपर मैंने बताया कि आप काफ़ी ज़्यादा यूज करो इस ऑटो रीनेम को, ठीक है, काफ़ी अच्छा टूल है। जिन लोगों का इस पे ध्यान नहीं गया हो, जो लोग इस चीज़ को नोटिस नहीं किए हैं, एक बार आप करके देखिए, काफ़ी अच्छा आपको लगेगा, आपको काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर के दो टूल्स जो यूज कर रहे थे उसकी जगह पे इसको आप करके देखिए, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, मैं भी किया हूँ और मैं खूब यूज करता हूँ, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, कभी भी आपको ऐसा कुछ यूज करना है, ठीक है। तो इस तरह से मैं कोई सीन बना रहा हूँ, ऐसा कुछ आप भी बनाओ और अच्छे से इनका यूज करो। अगर टिप्स आपको अच्छा लगा हो तो हिट कीजिएगा लाइक बटन, आप चाहते हैं हमेशा मैं ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स आपको शेयर करता रहूं, तो आप हिट बटन को जरूर कीजिएगा, लाइक बटन को जरूर हिट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिप्स एंड ट्रिक्स के। अभी चाहूं तो मैं थोड़ा सा इसे बढ़ा भी सकता हूं, ताकि इन चीज़ों को ऐसे सेट कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज का क्लास अगर अच्छा लगा, ठीक है, ऐसा कुछ मैं किसी के लिए कुछ काम कर रहा हूँ, ये नया सीन बना रहा हूँ। अगर आप नए हैं तो लाइक कर लीजिए, कमेंट की शेयर कीजिए, दो जिनको आपको लगता है कि बेनिफिशियल किसी दोस्त के लिए हो सकता है उसको भी शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए अगर हमेशा अपडेट चाहते हैं तो, ठीक है। कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट आ रहा है, कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है 3ds Max में काम करने में,
ठीक है, फोटोशॉप हो, 3ds मैक्स हो, ठीक है, कोरल हो, इलस्ट्रेटर हो, कहीं भी आपको काम करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो बेझिझक आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।